कोरोना के संकट की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है, तो वहीं कुछ गैर जिम्मेदार लोग अपने शराब के शौक को पूरा करने के लिए ना सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं और धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सामूहिक रूप से बैठकर शराब का सेवन करने का अपना वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर रहे हैं। यह मामला मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र का है, जहां एक स्थान पर बैठकर 5 व्यक्ति शराब का सेवन कर रहे हैं। शराब के सेवन के बीच यह व्यक्ति अपने मोबाइल से अपनी वीडियो भी बनाते हैं। बाद में यही वीडियो वायरल होते हुए पुलिस के संज्ञान में आती है। पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर सामूहिक रूप से बैठकर शराब का सेवन कर रहे व्यक्तियों की पहचान करती है। इसमें एक व्यक्ति की पहचान में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचाने गए और 5 को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ रिफाइनरी वरुण कुमार सिंह ने बताया कि उस रैकेट का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को शराब मिल रही है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। अरे तुम क्या कर रही हैं? हाँ जी, राम राम जी। राम राम साहब। राम राम जी साहब, ब्रेक डाउन में जब नोटबंदी हुई, जब उनने ऐसी शराब पी खेतन पे, आज ब्रेक डाउन में और दारू डाउन में और ब्लेंडर की दारू, देखो ये पंडित जी हैं हमारे, इनके खेतन पर अठिया न पे नागिन डांस दिखाओ खाओ जिनने लक्को पंडित जी ने भाई खेतन में ही साहब बढ़िया बार, ये ब्लेंडर और ये बैठे हैं 4-5 आ रहे हैं ये रोका पानी। तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो। वीडियो बननी तो आई ना, ऐसा मत करो। हाँ जी, जो गलत बात है का उनको, ये रवि ठाकुर बैठे हैं जो, तो पीन शराबियों के द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था, क्या कुछ मामला था सर वो, क्या कुछ कार्रवाई उसमें हो पाई सर? ये थाना क्षेत्र रिफाइनरी जनपद मथुरा का प्रकरण है। कल विभिन्न मीडिया के माध्यमों से एक वीडियो वायरल हम लोगों को संज्ञान में आया था, जिस वीडियो में 5-6 व्यक्ति बैठे हुए हैं एक झुंड बना करके और वो लोग शराब का सेवन कर रहे थे। तो तत्काल वीडियो का संज्ञान लिया गया और इस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसमें एक व्यक्ति को चिन्हित करते हुए उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। शेष व्यक्तियों को यथाशीघ्र पकड़वाया जा रहा है और उसके बाद जो आवश्यक विधि कार्रवाई है उन सभी के विरुद्ध किया जाएगा। सर, लॉकडाउन का समय चल रहा है लेकिन फिर भी शराबी शराब अवेलेबल है, क्या कुछ? बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर घटना है, इसीलिए इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उन सभी व्यक्तियों की पहचान कराई जा रही है और सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.